जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए धर्म पर आधारित धार्मिक विचार लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगे। ईश्वर की भक्ति करने से हम लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है, जिसके कारण हम लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से आसानी संभाल लेते हैं। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो में धर्म के बारे में, जो कि आपको ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। एक ईश्वर सभी प्राणियों के लिए एक समान है और ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता है। दो, ईश्वर का आभार हमें हर काम में मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ईश्वर हमारी राह और भी आसान कर देते हैं। तीन, भगवान हमारी परीक्षा लेता है और वो ही हमें उसमें कामयाब होने की शक्ति भी देता है। चार, धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है इंसान को रास्ता भटकने से बचाना। पांच, यह लाइफ ईश्वर का अमूल्य वरदान है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। छह, हर मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। सात, दूसरे धर्मों की निंदा करना गलत है। सही इंसान वह है जो दूसरे धर्मों की भी हर उस बात का सम्मान करता है जो सम्मान के लायक है। आठ, धर्म का बिल्कुल सही अर्थ है इंसान की आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। नौ, अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा ईश्वर खुद करता है। 10, जिस समाज में धार्मिक लोग निवास करते हैं वहां अधर्म अपने आप खत्म हो जाता है। 11, वह व्यक्ति जो धार्मिक है वह अपने दुख को सुख में बदलना जानता है। 12, धर्म विश्वास पर आधारित होता है, कृपया इसका आधार अंधविश्वास को ना बनाएं। 13, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। 14, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। 15, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता है। 16, सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है, अपने आप पर विश्वास रखें। 17, एक व्यक्ति को कैदी बनने के लिए सलाखों के पीछे होने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी अवधारणाओं और विचारों के कैदी हो सकते हैं, वे अपने आप के गुलाम हो सकते हैं। 18, हो सकता है आपकी लाइफ आपके अनुसार नहीं चल रही हो, लेकिन यह ठीक वैसे ही चल रही है जैसी ईश्वर ने योजना बनाई है। 19, ईश्वर के साथ चलने वाले लोग हमेशा अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। 20, एक सुंदर जीवन यूं ही नहीं हो जाता है, यह प्रतिदिन प्रार्थना नम्रता त्याग और कड़ी मेहनत से निर्मित होता है। 21, वह इंसान जो लाइफ में सत्य का मार्ग चुनता है उसका सफर निश्चित ही ईश्वर के चरणों में समाप्त होता है। 22, उठो और धन्यवाद करो ईश्वर का जिन्होंने एक दिन वो दिया है जीने के लिए। 23, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसलिए आप हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं। 24, अगर हमारा विश्वास ईश्वर में है तो हम हर तूफान का सामना आसानी से कर सकते हैं। 25, कठिन परिस्थितियों में केवल ईश्वर ही हमारी रक्षा करते हैं। 26, जितना आप मन से पवित्र रहोगे आप ईश्वर के करीब रहोगे, क्योंकि ईश्वर का वास हमेशा पवित्रता में ही होता है। 27, भक्ति के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ते हैं। 28, जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। 29, कोई तो है जो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे ठोकर में रहना है और किसे भगवान होना है। 30, धर्म एक आदत के समान है, इसका स्वयं पालन करना आवश्यक है,
दूसरों को पालन करवाने के लिए जबरदस्ती करवाना नहीं है। धार्मिक विचार इमेज 31 धर्म की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है, मानव हानि के लिए नहीं। 32 वह मनुष्य सबसे बड़ा अधर्मी है जो धर्म के नाम पर कुकर्म कर रहा है। 33 अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही अपने धर्म को निभाना है। 34 मानव धर्म सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। 35 वही व्यक्ति अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है जो अपने स्वभाव में दयालु है। 36 किसी इंसान को उसके धर्म के पालन करने से रोकना सबसे बड़ा अधर्म है। 37 हर व्यक्ति का धर्म ईश्वर ने पहले से ही निश्चित कर रखा है, जो इसका पालन करना नहीं छोड़ता वह व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता है। 38 प्रार्थना करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। 39 हमेशा भगवान को सुनाने के लिए नहीं, भगवान की सुनने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 40 धर्म का पालन इस प्रकार होना चाहिए कि सबका कल्याण हो और किसी की भी हानि ना हो। 41 ईश्वर हमारे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। 42 प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ। 43 धर्म से दूर रहकर आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। 44 आपका कार्य जगत कल्याण के लिए ना सिर्फ प्रार्थना करना है अपितु प्रयास करना भी है, यही सच्चा धर्म है। 45 जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको धर्म और धार्मिक विचार के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह धार्मिक अनमोल विचार अच्छे लगे हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।